फेम मंथ 2024 विजन आईएस मैगजीन के अंडर हम कवर कर रहे थे अपना इकोनॉमी सेक्शन 3.1, 3.2 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। हर एक सब पार्ट को हम एक वीडियो के अंडर कवर करते हैं। अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। इंश्योरेंस के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि ये न्यूज़ में एकदम से कैसे आ गया, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी न्यूली फॉर्मेशन हुई है, राइट? हम पढ़ते हैं 1956 के टाइम का हम एक्ट पढ़ते हैं LIC का, राइट? तो काफ़ी पुराना है ये सेक्टर। न्यूज़ में कहाँ से आया? तो एक कमेटी बनी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की लोकसभा के लिए। किस चीज के ऊपर रिपोर्ट सबमिट की? परफॉर्मेंस रिव्यू एंड रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, कि जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कैसे उसे रेगुलेट किया जा सकता है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट की, राइट? तो इस वजह से ये न्यूज उठ के अब जो है वो चमक रही है कि ये टॉपिक जो है वो न्यूज में आ गया। और इसी के साथ ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेटस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया की, तो ये कुछ डेटा है इस पूरे सब टॉपिक पैराग्राफ के अंदर, पूरा डेटा ही है। जो अच्छी बात है, अगर आप याद कर सकें, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए, बेशक इकोनॉमी के जो स्टैटिक पार्ट में कुछ इंश्योरेंस से उठ के आ जाए, तो वहां पे आप इसे ऐड कर सकते हो। दो चीजों की यहाँ पे बात की गई है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है। अब डेटा स्टडी करने से पहले इनका मतलब भी तो पता होना चाहिए, राइट? सो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। अगर हम सिंपल अपनी लोकल भाषा में बोले तो किस्तें देना। अगर हम LIC लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कुछ भी लेते हैं ना, तो हमें एक साल के अंदर कुछ किस्त देनी होती है। वो डिपेंड करता है 30,000 है, 50,000 है, 80,000 है, कुछ किस्त देनी होती है। उसे हम किस्त ना बोल के प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है? तो जब भी मैं बोलूं इंश्योरेंस प्रीमियम, ये समझना कि किसी पर्सन, फॉर एग्जांपल मैंने ही कोई LIC ली है, तो उसके हर साल जो मुझे किस्त देनी होती है ताकि बाद में मैं उसको क्लेम कर सकूं, उसके बेनिफिट्स मेरी फैमिली अवेल कर सके, है ना? तो उसके लिए जो मुझे किस्त देनी होगी, दैट इज नोन एज इंश्योरेंस प्रीमियम। आगे से हम इसको किस्त नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कैसे हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का पता करते हैं, इंडिया में कितना अमाउंट जो है इंश्योरेंस प्रीमियम के फॉर्म में जा रहा है, डिवाइडेड बाय जो टोटल GDP है किसी भी देश का। इसे अगर और सिंपल भाषा में बोले तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होता है टोटल प्रीमियम्स कलेक्टेड टू द कंट्रीज GDP। टोटल प्रीमियम्स कितने कलेक्ट हुए डिवाइडेड बाय कंट्री का GDP कितना है। कंसेप्ट समझ आ गया? अब देखिए, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का डेटा सामने आया है कि 2001-02 के टाइम पे जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था वो 2.71% था, जो कि 2021-22 यानी 20 सालों बाद हो गया है 4.2%। अब क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, वो हम कंपेयर करते हैं कि ग्लोबल लेवल पे क्या रेट चल रहा है। ग्लोबल लेवल पे फॉर द सेम ईयर 2021-22 का डेटा है, तो ग्लोबल लेवल पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का रेट है 7%, यानी कितने लोग जो है किस्ते प्रीमियम दे रहे हैं, है ना? तो इंडिया यानी नेशनल लेवल पे 4.2%, ग्लोबल लेवल पे 7%। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया बढ़िया परफॉर्म कर रहा है ना? ऐसा नहीं है कि बुरी परफॉर्मेंस है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब आती है बात इंश्योरेंस डेंसिटी की, कि इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है। चलिए पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन। कितना प्रीमियम दिया डिवाइडेड बाय GDP नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कर देंगे, कितनी पॉपुलेशन है उस देश की जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंश्योरेंस डेंसिटी। प्रीमियम अपॉन पॉपुलेशन इज इंश्योरेंस डेंसिटी एंड प्रीमियम अपॉन GDP इज इक्वल टू इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। सो इंश्योरेंस डेंसिटी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इट इज द रेशियो ऑफ प्रीमियम्स कलेक्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनीज टू द कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है ना? नाउ इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है, अभी डेटा की बात करेंगे हम, मतलब समझ लिया, अब हम डेटा की बात करेंगे। 2001-02 के टाइम पे जो इंश्योरेंस डेंसिटी थी वो $11.5 थी, जो कि 2021-22 पे बढ़ के हो गई है $91। यहाँ जो भी बात कर रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब ग्लोबल लेवल पे हम इसको कंपेयर करेंगे, तो ग्लोबल लेवल पे फॉर द सेम ईयर डेटा आया $874 का। तो इससे अगर हम कंपेयर करें इंश्योरेंस डेंसिटी काफी कम है। इसका मतलब कि अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें ना, तो बहुत कम लोगों ने ये इंश्योरेंस को अपनाया है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे लाइफ, चाहे कोई भी इंश्योरेंस है, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस बिजनेस की, माने रैंकिंग की। तो इंडिया का जो रैंक है ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे वो है 10th,
और मार्केट शेयर है 1.85%। यानी टोटल जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर बनता है 100% अगर हम इसे ग्लोबल लेवल पे लेते हैं तो इंडिया सिर्फ 1.85% शेयर करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया वर्ल्ड में कितने पॉपुलेशन शेयर करता है, कितना परसेंट एरिया है, 2.41 ऐसे हम पढ़ते हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड का। तो वैसा ही है ये भी। नाउ नंबर ऑफ इंश्योरेंस 2000 में रहते थे ऑन एन एवरेज 6, अब हो गए हैं 2023 में 70, यानी कुछ तो इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। सेक्टर कंसंट्रेशन की बात करेंगे। अब देखिए जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना खुद से बहुत बड़ा है। LICs होती हैं, आपकी GICs होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो होती है वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस देती है, प्रोवाइड करवाती है। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कोई भी प्रोडक्ट है उसे प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्टर कंसंट्रेशन की। तो इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो ज्यादातर टिल्टेड है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट की ओर, जिसका शेयर है 76%। ग्लोबल लेवल पे बात करें तो शेयर जो है लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस में, है ना, या इसमें अगर हम बात करें टोटल प्रीमियम्स में, तो 2021 में रहा 43.7%। आई होप आपको समझ में आ गया। लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा चलता है इंडिया में, ठीक है, और ओवरऑल पूरी दुनिया में लाइफ इंश्योरेंस लोग 43.7% लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, कि इंडिया में जो इंश्योरेंस सेक्टर है कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए, या कौन इसको रेगुलेट करता है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी बैंक्स होते हैं उनको रेगुलेट करने वाला RBI होता है, जितने भी म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, SEBI करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे ही जो भी हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं इन्हें रेगुलेट करने वाला है IRDAI, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए ये हो गया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस एक्ट की बात करेंगे जो कि 1938 में बना था। तो ये एक्ट क्या प्रोवाइड करवाता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना, कि कैसे हमारा इंश्योरेंस सेक्टर वर्क करेगा, कैसे हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं। जो इंश्योरेंस ले रहा है, जो कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, वो सब कुछ इंश्योरेंस एक्ट 1938 में मेंशनड है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडीज मैंने आपको पढ़ाई है पॉलिटी में, क्या होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज, ऐसी बॉडी जिसकी फॉर्मेशन किसी एक्ट के अंडर होती है उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं। देखिए जो भी हमारी ये बॉडीज होती है ना दो तरह की होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं इन्हें आप फर्दर दो तरह से जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी। अब इनका मतलब क्या है, देखिए उसके लिए तो आपको पॉलिटी की सीरीज देखनी होगी, अदरवाइज हम यहाँ पे टॉपिक से भटक जाएंगे। नहीं आपको वीडियोज मिल रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके पॉलिटी वन लाइनर सीरीज या इंडियन पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट आप देखें, वहां पे सारी चीजें सीक्वेंस में पढ़ाई है, काफी बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगी। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि IRDAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी फॉर्मेशन जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के तहत हुई है। इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट करना, प्रमोट करना, मैनेज करना एंड कैसे ग्रोथ हो इंश्योरेंस बिजनेस के उसके ऊपर काम करना। ये इंश्योरेंस कंपनीज को सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करवाती है। जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके पॉलिसी होल्डर, मानी जैसे मैंने कोई पॉलिसी ली है LIC की फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है ना, वो भी उनका काम है। एंड एडजुडिकेट्स डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सॉल्व करना भी उनका काम है, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट फेज हुआ हमारा कंप्लीट। ये जो टॉपिक्स अब ना आगे 3.9 तक सारे टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं, एक आधा टॉपिक बीच में बड़ा है। 3.9 तक सारे टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, कोशिश करूंगी सारे वीडियोज जल्दी से अपलोड कर दूं। फिर 3.10 उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और मुझे कुछ फंक्शन भी है, मैं आपको बता दूं तो 2-3 दिन के बाद मुझे वहां भी जाना होगा, उसकी वजह से फिर डिले आ सकता है। अदरवाइज मैं केमिस्ट्री के ऊपर काम कर रही थी, फिलहाल करंट अफेयर्स डेली अपलोड होते हैं, केमिस्ट्री के ऊपर काम कर रही थी, फिर विजन IAS भी पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा हो जाता है ना। आप थोड़ा एडजस्ट करें, तब तक अपने रिवीजन पे फोकस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और चलिए सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस डिवीजन। इंश्योरेंस डिवीजन क्या है, देखिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना उसके अंडर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसी डिपार्टमेंट के अंडर आता है इंश्योरेंस डिवीजन। तो अब ये इंश्योरेंस डिवीजन क्या करता है, इसका काम है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ये जो सारे एक्ट हैं इनके लिए पॉलिसीज बनाना, इनको एडमिनिस्टर करना सही से चल रहे हैं या नहीं, वो काम है इंश्योरेंस डिवीजन का, ठीक है। कौन कौन से एक्ट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, इतना आपको सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, आपको बस एक्ट याद करने है ना। उसके बाद आते हैं इश्यूज एंड रिकमेंडेशंस हाईलाइटेड बाय द कमेटी। अब मैंने ये कहा कि कहाँ से न्यूज में आया इंश्योरेंस सेक्टर, क्योंकि एक कमेटी बनी थी जिसने लोकसभा को रिपोर्ट सबमिट की कि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे इसको रेगुलेट कर सकते हैं उसके ऊपर। तो अब हम वापस न्यूज पे आते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा ठीक है,
बेसिक सी चीज़ें थी, लेकिन ये जो कमेटी बनी थी इसने क्या रिकमेंडेशंस दी, कैसे क्या क्या कहा, वो अब हम देखेंगे। सो आता है इश्यूज एंड रिकमेंडेशंस हाईलाइटेड बाय द कमेटी। पैरामीटर्स हैं, पहला है माइक्रो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि इंस्टॉलमेंट्स का साइज छोटा होता है लेकिन उसके साथ में हाई ट्रांजेक्शन वैल्यू है, टैक्स देना पड़ता है, सर्विस डिलीवरी कॉस्ट है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल अब्सेंट है ना, जिसकी वजह से एजेंट इंटरमीडिएट होता है, बिचौलिया। शादी करवाते हैं ना लड़का लड़की की, तो बीच में हमेशा कोई आंटी होती है जो रिश्ता देती है, सो उस आंटी को आप बोल सकते हैं इंटरमीडिएट। अच्छा, आपके पेरेंट्स को देखा होगा आरडी एफडी करवाते हैं ना, मुझे पता है मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे जो वीडियोस देखते होंगे, तो उन हमारे क्या होता है ना कि एफडी आरडीज कराते हैं पेरेंट्स, तो वो खुद से नहीं जाते क्योंकि नौकरी वाले होते हैं, इतना टाइम नहीं होता, घर भी संभालना होता है, तो बीच में एक एजेंट होता है जिसको महीने के महीने पैसे भेजते हैं और वो हमारी आरडी जमा कराता है ना। एफडी तो चलो एक वन टाइम पेमेंट होती है, तो अब उस आंटी को जो कि एजेंट है हमारा, जो पैसे जमा करवा रहा है हमारे बिहाफ पे, वो हो गया हमारा इंटरमीडियरी, समझ गए, जो बीच काम करता है दो पार्टीज के बीच में। तो अब एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है ही नहीं, तो अच्छे इंटरमीडियरीज भी आपको इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस हो गया आपका, कोई और बैंक हो गया, वहां पे आपको इंटरमीडियरीज बड़े आराम से मिल जाएंगे। लैक ऑफ नॉलेज है इंश्योरेंस का, लोगों को पता ही नहीं है। अब इसके लिए रिकमेंडेशंस क्या है कि नए अफोर्डेबल माइक्रो इंश्योरेंस माने छोटे छोटे इंश्योरेंस रिलेटेड ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आओ जो कि लो इनकम एंड वल्नरेबल सेक्शंस जो है सोसाइटी के, उनको भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाए, है ना। अगर इंस्टॉलमेंट छोटी है, उसके साथ बहुत सारा पैसा देना पड़ रहा है, तो कौन सा मिडिल क्लास का आदमी लेगा, है ना। नेक्स्ट आता है, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगा होगा, बाकी के सारे तो बहुत ही सिंपल है। कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग की बात की है, क्या इशू रहा। देखिए, जो IRDAI है ना, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग को अलाउ नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग क्या होता है, इसका मतलब है जैसे आपकी लाइफ इंश्योरेंस होती है, जनरल इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, तो हर तरह की इंश्योरेंस अंडर वन एंटिटी आप नहीं ले सकते हो। आपको जनरल इंश्योरेंस चाहिए अलग से लेनी पड़ेगी, हेल्थ वाली अलग से लेनी पड़ेगी, लाइफ वाली अलग से लेनी पड़ेगी। तो लोग सोचते हैं इतना झंझट क्यों लेना, है ना, एक आधी ले लो ठीक है, अगर ये सारी साथ में मिल जाए तो लोग लेंगे भी तो, है ना। लेकिन IRDAI अलाउ नहीं करता है कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस जो है, यानी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाती है। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाती हैं। ये कंसेप्ट मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, ठीक है ना। अब इसके लिए रिकमेंडेशंस क्या है, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, अलाउ कीजिए IRDAI को ऐसी गाइडलाइंस चाहिए कि वो अलाउ करें कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग, जिसके अंडर क्या होगा, एक सिंगल पर्सन या एक एंटिटी जो है वो लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सारे प्रोवाइड करवाए, कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग होगी। अच्छा, कोई भी चीज़ हम बल्क में लेते हैं ना होलसेलर्स, तो उनको थोड़ी सस्ती पड़ती है ना, तो अगर हम सारी इंश्योरेंसेस साथ में लेंगे, हमें थोड़ी सी सस्ती पड़ जाएगी, तो कॉस्ट कम हो जाएगी और ये जो कंप्लायंस हैसल्स होते हैं, दिक्कतें आती हैं, ये भी इंश्योरेंस के लिए थोड़ी कम हो जाएंगी। प्लस कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग जो होती है, इससे रीच बढ़ेगी। अच्छा, सारी इंश्योरेंस एक साथ में मिल रही है, अमीर लोग भी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है गरीब है, लेकिन जो मिडिल क्लास थोड़े अपर वाले आ जाते हैं, वो इतने झंझट में नहीं पड़ना चाहते, आजकल टाइम नहीं है लोगों के पास, है ना। तो एक तरह से रीच आपकी पहुंच बढ़ेगी। अब कंज्यूमर्स भी देखेंगे कि उनको ऑल इन वन इंश्योरेंस मिल रही है, एक ही प्रोवाइडर से मिल रही है। अच्छा, LIC सारे इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहा है, अगर ऐसा हो जाए तो प्रीमियम बहुत कम, किस्त बहुत कम देनी है और इजिली क्लेम कर सकते हो, तो लोग लेंगे, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 30% हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस ली ही नहीं है, और इस अनकवर्ड पॉपुलेशन को कहा जाता है मिसिंग मिडल। स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि सिंपल एंड स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हम मार्केट में लाएं, है ना। पार्शियल फाइनेंसिंग कर दें, माने थोड़ा बहुत जो है वो कंपनी दे दे, इंश्योरेंस कंपनी दे दे, ताकि जो गरीब लोग हैं या वल्नरेबल सेक्शन है वो भी हेल्थ इंश्योरेंस ले पाए, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, यानी जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज है उनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। देखिए, सीधी सीधी बात, उनके पास कैपिटल है नहीं, पैसा है नहीं, जिसकी वजह से वो कुछ कैंपेन नहीं ला पाते, लोगों में अवेयरनेस नहीं ला पाते। तो एक प्रॉपर रोड मैप बनाओ, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाओ। प्राइवेट सेक्टर में तो देखिए बहुत तगड़ा काम होता है, आपको पता होगा वो इंप्लॉयज को छोड़ते नहीं जब तक उनका टारगेट कंप्लीट ना हो, आपने कभी अगर देखा होगा प्राइवेट जॉब की होगी, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं है, है ना। तो कॉम्पिटिटिवनेस है ही नहीं, तो उस चीज को बढ़ाने पे फोकस किया जाए। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट की आपके इंश्योरेंस स्कीम्स, लास्ट पॉइंट है हमारा। गवर्नमेंट की जो इंश्योरेंस स्कीम्स है ना, अगर क्लेम सेटल करना है ना, तो उसमें डिले बहुत है। क्लेम सेटल माने कि जिसकी लाइफ इंश्योरेंस है उसकी डेथ हो गई तो उसके बदले पैसा मिलता है, बोलते हैं ना, आपको इतना तो पता होगा। तो वो क्लेम सेटल कराने के लिए ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो, वेरिफिकेशन कराओ, बड़ा काम पड़ जाता है, तो उसमें डिले हो जाता है, हाई प्रीमियम रेट्स है,
है ना, तो ये भी लोगों को दिक्कत रहती है फिर। अच्छा जी, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने वो प्रीमियम लिया था, वो इंश्योरेंस ली थी, उन्होंने पैसा वापस करने में 2 साल लगा दी। जब ये चीज़ इस तरह से बातें सर्कुलेट होती तो लोग सोचते हैं क्या ही पैसा लगाना है, चुपचाप पैसा जमा करो FDRD में, है ना। हमारा तो इंडिया का सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसके लिए इफेक्टिव मैकेनिज्म लेकर आओ, ठीक है ना, ताकि क्लेम सेटलमेंट इजी हो जाए, प्रीमियम्स जो हैं अफोर्डेबल हो जाए। अब इस सब के लिए सरकार को काम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब देखिए, ये हमारा बिल्कुल लास्ट पार्ट है और बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं सोचना कंफ्यूजिंग है। मुझे तो लगा काफ़ी इजी है अभी तक इकोनॉमिक्स, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इजी लग रही है या नहीं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा एडजस्ट करने दें मुझे। चलिए अब आती हैं हमारी कुछ और रिकमेंडेशंस जो इन्होंने दी हैं, सिंपलेस्ट पार्ट पूरी वीडियो का, अवेयरनेस। देखो मास लेवल पे अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही एक चीज़ नहीं होती, और भी बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, जिनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। अब ऐसा ही कैंपेन जो है, सिमिलर कैंपेन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया ने चलाया था, तो हम वैसे एक खुद के लेवल पे इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो चला सकती हैं कैंपेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओपन आर्किटेक्चर। ओपन आर्किटेक्चर का कंसेप्ट होना चाहिए इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए, जिसके थ्रू वो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज में एजेंट बन सकें। अब अगर मुझे कोई इंश्योरेंस लेनी है तो वो बहुत सारी कंपनीज के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सिमिलर या एक तरह से कंपेयर करके मुझे बता सकें, है ना, ऐसा होना चाहिए। इससे हायर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, लोअर डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस, सिंपल चीज़ें हैं। GST आपका आता है, जब भी आप कोई प्रीमियम देते हो ना, आपको GST उसके साथ में देना होता है, ठीक है। आपने कभी देखना, अपने पेरेंट्स, उन्होंने ली होती है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कोई ना कोई ली होती, तो उनको प्लस GST देना होता है। अब जब GST देना पड़ता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर, हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रेजेंटली बात करें 18% है। अब हाई GST रेट रिजल्ट हो जाते हैं, GST को मिला के 100 रुपये देना है तो 118 रुपये देना पड़ेगा, समझ रहे हैं, तो कितना ज़्यादा हो गया। अभी 100 रुपये पे 118 रुपये आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर बड़े लेवल पे देखें 100 करोड़ पे 118 करोड़, अब बताइए छोटा है बड़ा है, बड़ा है ना, तो वही चीज़ है। अब हाई जब रेट्स होते हैं तो प्रीमियम बड़ी हो जाती है, प्रीमियम पे बर्डन पड़ जाता है, तो लोग सोचते हैं हमने लेनी नहीं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनक्लेम्ड पॉलिसीज। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है उद्गम, जो कि RBI का पोर्टल एक्चुअल में, फॉर क्लेमिंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ऐसे भी डिपॉजिट है जिनको क्लेम ही नहीं किया किसी ने, अब उसके लिए भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, है ना। अभी सारा फंड जो है सीनियर सिटीजन फंड में ट्रांसफर किया जा रहा है। कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो RBI को गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है इनके ऊपर पैसा आए, ये सब चीज़ें आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये हो गया हमारा कंप्लीट। बहुत जल्द मैं 3.4 भी अपलोड कर दूंगी, विच इज़ द कार नेटवर्क्स इन इंडिया, बट उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ना बहुत आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट देख नहीं पाती हूँ मैं। मुझे कमेंट्स तो ऐसे आते हैं, मैम विजन IAS पढ़ा दें, मैम केमिस्ट्री पढ़ा दें, लेकिन जब मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो व्यूज़ के थ्रू मुझे लग नहीं पाता कि आप लोग सीरियसली इंडल्ज्ड हैं वीडियोज़ को देखने में। तो मुझे बताएं कि अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तभी मैं इसको पढ़ूंगी, क्योंकि 3 बार तो कम से कम मुझे भी टॉपिक पढ़ना पड़ता है, कुछ ऐसे टर्म्स बीच में आ जाती हैं उसका मीनिंग देखना होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि मैं इसे कंटिन्यू करूं, डेफिनेटली मैं चेंज कर दूंगी अपना फोकस एरिया, है ना। मैं केमिस्ट्री बायो पे ज़्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम चल जाता है, डेली करंट अफेयर्स बनाने होते हैं तो काफ़ी टाइम उसमें चला जाता है ना, तो इस पर टाइम वेस्ट ना करके फिर हम बायो और केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। एंड फिजिक्स अभी नहीं मैं पढ़ाऊंगी, प्लीज़ फिजिक्स के लिए कमेंट्स ना करें, फिजिक्स अभी बहुत बाद में पढ़ाई जाएगी, जब ये सब कुछ जो चला है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। बस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मैं चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन सब वीडियोज़ का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।